रेडी स्टार्ट। दी जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 19 फरवरी 2009 पास्ड बाय दी डिवीजन बेंच ऑफ दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन एन अपील फाइल्ड बाय दी थ्री अपीलांस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज इन द प्रेजेंट अपील्स फुल स्टॉप। इट इज एडमिटेड एट बार दैट दी अपीलांट श्रवण कौर डाइड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट अपील्स आफ्टर सी वॉज रिलीज ऑन बेल बाई दिस कोर्ट ऑन 4 अक्टूबर 2010 फुल स्टॉप पैरा एंड एफ आई आर वॉज लॉज्ड बाई जरनैल सिंह ऑन 28 मार्च 2005 एट 12:35 PM फुल स्टॉप। ही वॉज द मेम्बर ऑफ नगर पालिका कौमा मोरिंडा एंड हैड टेकन 7 बीघा ऑफ लैंड ऑन लीज फ्रॉम प्रीतपाल सिंह कौमा मोहन सिंह सन्स ऑफ खुशहाल सिंह ऑन विच ही हैड सोन व्हीट क्रॉप फुल स्टॉप। ही हैड ऑल्सो टेकन 7 बीघा ऑफ लैंड ऑन लीज फ्रॉम फकीर चंद वेयर अगेन ही हैड सोन व्हीट क्रॉप फुल स्टॉप। ही स्टेटेड दैट दी व्हीट इन दी लैंड ऑफ फकीर चंद इज ऑफ स्मॉल साइज बट द व्हीट इन द लैंड ऑफ प्रीतपाल सिंह वॉज 2.5 feet इन हाइट फुल स्टॉप। ही फर्दर स्टेटेड दैट एट अबाउट 10:30 AM इन द मॉर्निंग ऑन दैट डे कॉमा ही एलॉन्ग विद मोहिंदर सिंह एंड हरिपाल हैड गॉन टू हिज फील्ड बट नोटिस्ड अ फाउल स्मेल इमिनेटिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ प्रीतपाल सिंह नियर डंप ऑफ व्हीट हस्क फुल स्टॉप पैरा। ही नोटिस्ड अ जूट बैग विद मैगट्स अराउंड इट एंड सस्पेक्टेड इट टू बी अ डेड बॉडी ऑफ अ मैन और अ वोमैन फुल स्टॉप। द लैंड वॉज नियर द बाईपास दैट वॉज फ्रीक्वेंटेड बाई पीपुल कॉमा हाउवर कॉमा इट वॉज लाइंग क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रेन्स फुल स्टॉप। ही लेफ्ट हरिपाल एंड मोहिंदर सिंह एट द स्पॉट एंड वेंट टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस फुल स्टॉप। सच स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड बाई बलवंत सिंह कॉमा SHO हु लेटर अपियर्ड एज PW15 फुल स्टॉप। द इन्वेस्टिगेशंस वर इनिशिएटेड कॉमा डॉग स्क्वाड एंड फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड एट द स्पॉट फुल स्टॉप। केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट अननोन पर्संस फुल स्टॉप। कॉपी ऑफ FIR वॉज सेंट टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट फुल स्टॉप पैरा। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इन द इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स कॉमा वन टेलीफोन डायरी कॉमा अ प्लास्टिक बैग कॉमा अ जूट बैग एंड लेडीज वियरिंग क्लॉथ वर फाउंड फुल स्टॉप। The body was found to be decomposed and could not be identified full stop. A dupatta was found around the neck full stop. The postmortem was conducted on 30th March 2005 full stop. The dead body was identified by Ujagar Singh and Kuldeep Singh full stop para. Dr. Harbhajan Singh along with Dr. नौतेज पाल सिंह एंड डॉक्टर गुलशन कंडक्टेड द पोस्टमार्टम एंड गेव दियर रिपोर्ट फुल स्टॉप। द दुपट्टा वॉज फाउंड रैप्ड अराउंड द नेक विद टू टर्न्स फुल स्टॉप। नो लिगेचर मार्क वॉज फाउंड प्रेजेंट बट स्किन ओवर द हाइड बोन टेकन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन फुल स्टॉप पैरा। दी अंडरलाइंग हाइड बोन वॉज फाउंड फ्रैक्चर्ड फुल स्टॉप। दी प्रोबेबल
Time of death was 10 days between death and postmortem examination. Full stop. The chemical examination report stated an aluminum phosphide insecticide was detected in the samples containing parts of small and large intestine of the deceased. Full stop. Phosphine, a constituent of aluminum phosphide, was detected in decomposed pieces of liver, spleen and kidney. Full stop. Dr. Harbhajan Singh, on the request of the police, opined that the cause of death is poisoning due to aluminum phosphide insecticide, hemorrhage and hemothrax due to injury in the left chest as described in the postmortem report. Full stop. Para. The time has come for India to once again emerge as a global hub of learning. Full stop. For this to happen, comma, our universities and institutions of higher learning have to reorient their methods of teaching and focus more sharply on research. Full stop. Institutions like JNU are no doubt striving hard to enhance academic excellence and remain among the top universities in the country. Full stop. However, comma, I would like JNU and other universities in India to figure among the top ranking global institutions. Full stop. That should be your goal. Full stop. Please work towards that objective with determination and commitment to excellence. Full stop. Para. India has always been known to cherish the value of education. Full stop. When the Panchatantra says the king is admired only in his kingdom, but a knowledgeable person is respected and welcomed everywhere, comma, it exhorts us to remember our tradition to respect for learning. Full stop. Para. Every single text on philosophy and political science in ancient India is an exploration into new fields of human endeavor and are voyages of discovery. Full stop. They exemplify the constant quest of a civilization for a better quality of life through a better utilization of knowledge for human welfare. Full stop. In India, civilization emphasis was always on a holistic, integrated vision of education. Full stop. We must bring back this multidisciplinary approach to learning.